Hi, hi uh, अपने जाना है इसलिए मैं आपका टाइम नहीं ज्यादा लूंगा मैंने सिर्फ इस बात पे कॉमेंट करना था एक्चुअली ये जो दो साइड ऑफ द कॉइन है आप बहुत अच्छी तरह दिखाती हो देखो एक मॉल एक मोमिन आया वो जो यूनिवर्सल ब्यूटी ओ ये तो ईमान है ये तो इतनी खूबसूरत मजहब है इसमें तो प्यार है इसमें मोहब्बत है इंटरप्रिटेशन सारी गलत है वो उसी के बाद एक कॉलर के बाद जब दूसरा बंदा आता है इनका गर्दन काट दो ये तो मेरे मोट इतना कॉन्ट्रास्ट जबरदस्त नजर आता है ना कि इनको खुद ही नहीं नजर आता कि देखो ये लोग तो खुद अपने आप का एक का गला होते हैं। एक कह रहा होता है, इससे ज्यादा अमन और की कोई बात ही नहीं है और सारी बात पे पानी फेर देता है, देता है तो नहीं तो, खुद क्या रहे थे ना वो तो खुद क्या रहे थे मैंने कहा इस्लाम में क्या अच्छी कहते हम हम बड़े अमन पसंद लोग हैं अमन का मजहब है और खुद कह रहे हैं तुम्हारी उतार देंगे भाई यानी ये बाइपोलर डिजीज है लोगों ये बिल्कुल और कई दफा ऐसे ही होता है कि हमें बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती इस्लाम की रियलिटी को दिखाने के लिए आप किसी एक दूसरे वाले मोमिन मौ, को ले लो जो जैसे यूनिवर्सल टाइप बोल रहे थे आपने उसका मतलब नहीं देखा एक लफ्ज के चार मतलब होते हैं और ये वो बड़े सॉफ्ट करके मतलब एक किस्म का फेक किस्म का इमेज दिखाने की कोशिश कर रहे लो लेकिन फिर जैसे ही थोड़ी देर के बाद कोई और मोमिन आ जाता है जो मैंने मैंने तर्जुमा भी पढ़ा मैंने सिर्फ कुरान पढ़ा है उनसे जब डायरेक्ट पूछो कुरान का या अपना जो एक्चुअल मजहब किस तरह फॉलो करते हैं तो आपको साफ बता देते हैं कि उन वो अपना मजहब किस तरह फॉलो करते हैं तो ये वाली बात बहुत आ, सोचने वाली है ये बात नहीं है कि बस एक किस्म का मजहब है उन लोगों का भी इस्लाम ही मजहब है वालों का तालिबान तो है वो भी मुसलमान ही है और उन्होंने भी वही वाली बुक्स और वही वाली सोर्सेस से पकड़ के गर्दने काट रहे हैं और उस तरह की हरकतें औरतों का अभी आप देखो जो तालिबान का सिचुएशन हुआ है जिस तरह बीस साल पहले उन्होंने किया थे हरकत वही शुरू उन्होंने कर दिया म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक वो मिनिस्ट्री में जाके सारे इंस्ट्रूमेंट तोड़ दिए uh, ये कर वो कर दिया दिया वो उन्होंने वही पैटर्न शुरू कर दिया जो साल पहले, पहले शुरू किया था तो उन, वो ये थोड़े अरसे के लिए एक दो हफ्ते के लिए उन्होंने थोड़ी सी एक्टिंग की थी कि नहीं 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 हम लोग रिफॉर्म है हम लोग ये है वो है क्योंकि दुनिया की अटेंशन थी उनके ऊपर मीडिया अटेंशन अब वो आहिस्ता आहिस्ता अटेंशन हट रही है तो वो आहिस्ता आहिस्ता अपने बैक टू द नॉर्मल पे जा रहे हैं लेकिन यही वाली बात आपकी बस मैं आपको आई नो यू हैव टू गो इसलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं बट आई आई रियली एंजॉयड द फैक्ट एक मोमिन ने एक चीज दिखाई कि भाई नहीं ऐसा नहीं है इंटरप्रिटेशन सारी गलत है और दूसरे मोमिन ने आके उसके सारे काम पे उसी वक्त पानी फेर दिया mm. ओ मेरे मोहम्मद को कुछ बोला तो मैं गर्दन काट दूंगा हाँ क्यों नहीं काट सकते हम लोग क्यों नहीं काट अच्छा एरोगेंस नहीं समझ आती इनको कि कितनी ये एरोगेंट बात है कि मेरे मोहम्मद के बारे में बोला तो मुझे राइट है कि मैं तुम्हारी गर्दन काट दू इनको ये मतलब नजर ही नहीं आता कि कितनी रिडिकुलस बात ये बंदा कर रहा है लेकिन उसको अपने बबल में होता है क्योंकि वो सारी जिंदगी उसी गुब्बारे में रहा है तो उसको लगता है ये बिल्कुल नॉर्मल बात है लेकिन गुब्बारे से निकल के जो दूसरे लोग हैं दूसरे की नजर से देखो तो समझ आता है कितनी स्टूफिट बात लगती है ये कि तुमने अगर मेरे मोहम्मद के बारे में कुछ बोला तो मेरे पास हक है कि मैं तुम्हें कत्ल कर दूक यू नो बट बटी आई थिंक कुरान जिसने भी लिखी थी वो बाइपोलर बाइपोलर था क्योंकि अगर वो एक जगह लिख रहा है कि हाँ अः माँ के पैरों के तले जन्नत है तो दूसरी तरफ वो औरत को पिटवा भी रहे लोडी भी रहा रहे यू नो अच्छा, एक जगह हर वक्त बोली जाती है माँ के पैरों के नीचे ये हदीस ही फेक है ऐसी कोई हदीस ही नहीं है ये एक बस शुरू हो गई कि यह बात कहाँ हदीस में ये लिखा हुआ माँ के पैरों में जन्नत है और ये वो कहीं नहीं है ये ऐसी एक लाइक like, फेक किस्म की हदीस है कई ऐसी ज़ईफ़ हदीसें हैं वो वाली स्टोरी के हजूर के ऊपर कचरा फेंक दिया किसी ने वो सारी फेक स्टोरी है उनके अपने मौलवी कहते हैं कि ये बस ये कहानी शुरू हो गई और वो चलती रही क्योंकि इट साउंड गुड बट एक्चुअल हदीस में ये वाली कहानी कोई है ही नहीं Hmm. but Nein, anyway I, I mean i i i'm gonna let you go because i know you are running out of time but keep doing joab i'm cario whatever i can Shana do okay. <laughs> <laughs> Chale, okay, thank okay. you so much for coming